गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार आलू बैंगन की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत इजी बन जाती है और कम इंग्रेडिएंट में बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। और जो बैंगन नहीं खाते वो भी बैंगन खाने लगेंगे क्योंकि बहुत ही लजीज बनती है। चलिए मैं आपको झटपट दिखाती हूँ ये बनती कैसे है। इसके लिए मैंने लंबे वाले बैंगन लिए हैं जिसको मैंने बीच में से कट लगा दिया है और कट लगा के मैंने चेक किया है कोई बैंगन ख़राब तो नहीं है। उसके बाद मैंने वॉश भी कर लिया है। टोमेटो मैंने 3 कट कर लिए हैं। अब मैं आपको साथ के साथ बताऊंगी मैंने इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई रख दी है और गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है और इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून भरकर ऑयल का डाला है। थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद मैं बैंगन फ्राई करूंगी। बैंगन फ्राई करने के बाद मैं इनको अलग कर लूंगी। मैंने 2 बार में बैंगन फ्राई किए हैं। देखिए मेरा ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं हुआ था लेकिन आप अच्छे से गर्म करके उसके बाद बैंगन को फ्राई करिएगा। मैंने 2 बार में बैंगन फ्राई कर लिए हैं। बैंगन आप फ्राई करके बनाएंगे तो इसका टेस्ट ही अलग आएगा। ये बहुत ही लजीज बहुत ही शानदार बनती है। अब बाकी बचे हुए ऑयल में मैं जीरा डाल दूंगी जो मैंने 1 टीस्पून लिया है। उसके बाद मैं इसके अंदर ग्रीन चिली कट कर डाल दूंगी। थोड़ा सा हम सॉटे करेंगे डालने के बाद। उसके बाद मैं इसमें अपने टोमेटो जो मैंने कट करके रखे थे 3 वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और टोमेटो डालने के जस्ट बाद ही हमें इसके अंदर सॉल्ट डालना है क्योंकि टोमेटो जो है सॉल्ट के साथ ही सॉफ्ट होते हैं। मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट भरकर इसमें ऐड कर दिया है। इसको थोड़ी देर ढककर हम कुक करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए स्टीम में। इसके बाद मैं इसके अंदर आलू जो मैंने क्यूब्स में कट करके रखे थे, मैंने 3 पोटैटोज लिए थे, इनको मैंने कट करके पहले से रखे हुए थे पानी में, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। इसको भी थोड़ी देर सॉटे करेंगे और थोड़ा सा कुक करने के बाद मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून हल्दी का शामिल करूंगी और 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर इसमें शामिल किया है और इसमें मैं 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करूंगी। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट फिर से थोड़ा सा डाल दिया है क्योंकि पहले जो था पहले डाला था, अगर आपको लगता है वो कम है तो आप इसमें डाल सकते हैं। हल्का सा कुक हो जाएगा उसके बाद मैं इसके अंदर अपने फ्राई हुए हुए जो बैंगन मैंने रखे हुए थे साइड में वो मैं इसमें डाल दूंगी। बैंगन को डंडी के साथ जो इसकी स्टिक लगी होती है पीछे डंडी उसके साथ ही आप फ्राई करेंगे, अदरवाइज उसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है, अदरवाइज वो टेस्ट कम हो जाता है, इसलिए आप उसके साथ ही अगर चाहें तो आप कट भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ी देर ढककर कुक करूंगी तकरीबन 5-6 मिनट। उसके बाद मैं बीच बीच में चेक करूंगी और इसमें स्पून की हेल्प से अच्छे से हिला लूंगी ताकि नीचे से सब्जी लगे नहीं। इसमें कोई भी पानी नहीं डालना है, ये अपना पानी खुद छोड़ेंगे आलू बैंगन और टमाटर। उसके बाद मैं इसमें ग्रीन कोरिएंडर ऐड कर दूंगी क्योंकि ये आलू गल चुके थे और इस तरह मेरी सब्जी बिल्कुल रेडी है। अगर आप इसको बनाएंगे तो आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मैं फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।